हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में कॉमनली इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते रहते हैं, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर देयर, वायरल इन्फेक्शंस आर देयर, अलॉन्ग विद दैट मेनी हेलमिंथ पैरासाइट्स आर देयर, लाइक हुकवर्म, पिनवर्म, राउंडवर्म एंड सो ऑन। काफी सारे हेलमिंथ पैरासाइट्स हैं विच इन्फेक्ट आर इंटेस्टाइनल ट्रैक, विच इन्फेक्ट आर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सम लेट अस डिस्कस सम ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट जॉन्डिस। जॉन्डिस, इन जॉन्डिस लिवर इज अफेक्टेड। जॉन्डिस में क्या होता है, लिवर इज अफेक्टेड, लिवर अफेक्ट होता है एंड द स्किन एंड आईज दे बिकम येलो और पेल इन कलर। स्किन एंड येलो, सॉरी, स्किन एंड आईज दे बिकम येलो और पेल इन कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से है, पहले आप लोगों को बताए थे बाइलीरूबिन एंड बाइलीवर्डिन। एक्चुअली ये जो पिगमेंट्स होते हैं बाइलीरूबिन एंड बाइलीवर्डिन, ये हमारे लिवर के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जो लिवर में प्रोसेसेस चलते हैं उन सभी प्रोसेसेस में ये पिगमेंट्स बनते हैं जो एक्सक्रीट आउट होते हैं बाय लिवर। बट अगर लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लिवर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लिवर इज इन्फेक्टेड, देन इन दैट केस ये जो पिगमेंट्स हैं दे डिपोजिट देयर, मीन्स दे आर नॉट एक्सक्रीटेड आउट, वो डिपोजिट होते हैं, उनका डिपोजिशन होता है उन पिगमेंट्स का, ड्यू टू विच द स्किन एंड आईज दे बिकम येलोइश इन कलर और पेल इन कलर। तो इन केस ऑफ जॉन्डिस लिवर इज अफेक्टेड। सेकेंड वोमिटिंग इज इजेक्टिंग आउट ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ। ठीक, स्टमक कंटेंट इज इजेक्टेड आउट थ्रू माउथ, दैट प्रोसेस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज वोमिटिंग। एंड वोमिटिंग अकर्स इन सम एबनॉर्मल सिचुएशन, मीन्स इफ यू फील लाइक नोजिया बिफोर वोमिटिंग। जनरली बिफोर वोमिटिंग यू फील लाइक नोजिया, आपको कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, इंडाइजेशन इज देयर, देन वोमिटिंग अकर्स। वोमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय रिफ्लेक्स सेंटर्स प्रेजेंट इन आर ब्रेन, प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऑफ आर ब्रेन। हमारे ब्रेन के पार्ट में रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं, वोमिटिंग सेंटर्स होते हैं, दे आर गेट्स, उन्हें सिग्नल्स मिलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है ये एंड देयर इज द वोमिटिंग। ठीक है, तो वोमिटिंग कब होती है, वोमिटिंग से पहले सम नोजिया लाइक फीलिंग इज देयर बिफोर वोमिटिंग। डायरिया, डायरिया, डायरिया इज अ सिचुएशन ऑफ फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, फ्रीक्वेंट सिचुएशन ऑफ फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, मीन्स बाउल मूवमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली वी हैव टू गो फॉर डिफिकेशन, बहुत फ्रीक्वेंटली हमें डिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स आर देयर एंड अलॉन्ग विद दैट द लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, वॉटर अलॉन्ग विद द फीकल मैटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर इज पास्ड आउट एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बिकम्स वेरी लो, मीन्स फूड एब्सॉर्ब नहीं हो पाता, डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट भी कंप्लीटली नहीं हो पा रहा और एब्सॉर्प्शन भी नहीं हो रहा, विदाउट एब्सॉर्प्शन इट इज पास्ड आउट। तो फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स आर देयर एंड द लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इसकी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग डायरिया एंड दैट्स व्हाई डायरिया के केस में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, वाटर हमें ज्यादा लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डायरिया। नेक्स्ट कम टू
jaundice, vomiting, diarrhea, and another is like indigestion. Indigestion means digestion is not proper. पूरी तरीके से digestion नहीं हो पा रहा, जो भी हम food ले रहे हैं digestion पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा, and due to which it gives a feeling of fullness. Means we are not feeling hungry. काफी time हो गया हमें food लिए हुए, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि indigestion की problem हो रही है, वो digest नहीं हो पा रहा, so it gives a feeling of fullness. No feeling of hungriness is there. What may be the causes of indigestion? Indigestion के क्या क्या causes हो सकते हैं? Like inadequate secretion of enzymes, enzymes का secretion नहीं हो पा रहा proper जितना होना चाहिए, और you are very anxiety, और you are having a lot of tension, anxiety. उस case में spicy food, overeating में भी क्या हो जाता है? Indigestion. Overeating is there, spicy food if you are taking, and anxiety, tension, and improper secretion of enzymes. That all causes indigestion. Is it clear? ठीक है. तो these are some jaundice हो गया आपका, vomiting, diarrhea, indigestion. ठीक है. Constipation. Constipation में क्या होता है? Fecal matter, fecal substances, they are retained within colon. Means they are retained within colon. They are not discharged. They are not passed out. Means bowel movement becomes irregular. Bowel movements are there in constipation, and the fecal matter that remains in colon. ठीक है, तो ये है हमारे कुछ common disorders of digestive system. Thank you.